तो देखिए सुबह हो चुका है और हम घर का सारा काम भी कर लिए हैं। और अभी देखिए मेरे चूल्हा पे सब्जी भी बन चुका है, तो अभी हम सब्जी को अच्छे से उतार के किचन में रख देते हैं। उसके बाद हम दाल चढ़ाएंगे क्योंकि रोटी बना लिए हैं और सब्जी रोटी सब्जी नाश्ता के लिए बन चुका है। तो हम जा रहे पहले दाल चढ़ाने के लिए, उसके बाद हम दाल और चावल बनाएंगे। तो अभी आप लोग नाश्ता कर लिए हैं कि नहीं पता नहीं, और हम तो अभी किए नहीं है क्योंकि अभी हम नहावा के पूजा कर लिया, शनिवार था इसीलिए। और रोटी और सब्जी मेरा बन चुका है, सिर्फ बनने का बाकी है दाल चावल और दाल, तो वो बनेगा थोड़ा लेट से दोपहर में। और देखते हैं मेरा दक्ष और जीवा क्या कर रही है, कब से हम उन लोग को देखे नहीं हैं। तो अभी हम जाते हैं उन लोग के पास, देखते हैं ये लोग क्या कर रही है। तो क्या कर रही है जीवा तुम? तो दक्ष मेरा देखिए क्या कर रहा है, लुंगी पहन लिया है। दक्ष देखिए लुंगी पहना, पैंट नहीं पहना है, लुंगी पहना है। देखिए लुंगी पहना है दक्ष, कौन पहना है बेटू, कौन लुंगी पहना रही है तुमको बेटा? पापा देखिए ये तौलिया को पहन के है। और जीवा तुम क्या कर रही थी? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये क्या कर रही थी तू बदमाशी? सुबह से ही बदमाशी कर रही, देखिए कलर लगाई है मुंह में। जीवा का दूसरा चैनल खोल दिया और मेरी बेटी का न्यू चैनल खुला हुआ है, जीवा जीवा शॉर्ट ब्लॉग, शॉर्ट ब्लॉग। तो मेरे बेटी का आईडी पे जाइए, आईडी को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसका वीडियो मेरे से ज्यादा मजेदार वीडियो, और लाइक करिए और कमेंट में इसको जरूर बताइएगा। और ये देखिए मेरा दक्ष लुंगी पहना, इसको तो चिप चिप के मारेंगे। और इसका भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि गांव से आए तो हम लोग का पानी दोनों का चेंज हुआ है, तो सर्दी सबको एक हुआ है, दक्ष को भी हुआ है, हमको भी हुआ है, जीवा को भी हुआ है। और ये क्या क्या बोलती है पता नहीं, क्या तेरा बाबू का शादी हुआ, किससे हुआ? गंदा। और ये रहा मेरा गुलटेन बेटा है जो कि बहुत बदमाशी करता है, देखिए दक्ष को कैसे कर रहा है। उसका लुंगी खुल जाएगा, मेरा ब्लॉग खराब हो जाएगा, हो जाएगा। इसका शर्ट अच्छा करो, जीवा नहीं खोलो, जीवा मत खोलो बेटा। तो अभी ये दोनों भी आराम से खेल रहा है, कोई परेशान हमको नहीं कर रहा, और काम भी सारा हो गया। और हम देखिए दाल चढ़ाए भी नहीं और आके यहाँ पे बैठ गए हैं, और मेरा आग गल रहा। अभी हम जाते हैं दाल को चढ़ाने के लिए, तब जाते हैं चढ़ाते हैं दाल। लुंगी खुल गया उसका, तभी उसका लुंगी खुल गया। तो हम देखिए दाल का पानी इसमें ले लिए हैं, इतना छोटा सा डेकची है, और इसी में हम दाल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और अभी ये दाल चढ़ने के लिए थे, चढ़ने के लिए तैयार हो चुका है। और वहाँ से हम नाश्ता को निकाल लेते हैं और उसके बाद हम नाश्ता करने के लिए जाएंगे और किचन में देखते हैं क्या है। लगता है खाने में बहुत कुछ है थोड़ा बहुत, तो अभी हम देखते हैं क्या है। तो ये रहा हलवा है रात का, बचा हुआ है थोड़ा सा। और आलू, आलू का सब्जी तो नहीं है, कद्दू का लौकी का सब्जी हम बनाए थे वो है। तो अभी हम रोटी और लौकी का सब्जी और हलवा को नाश्ता में खाने के लिए जा रहे हैं। तो गेट को बंद कर देते हैं, और देखिए ये प्लेट पे हम सारा खाना ले चुके हैं, अब जाते हैं खाने के लिए। किसको किसको खाना है दक्ष? आपको खाना है, आपको खाना है। पानी बाहर बह रहा है, तो देखिए मेरा पानी बाहर में बह रहा है, इतना मोटा पाइप चला है। तो अब मशीन में हम पहले कपड़ा लगा लेते हैं, उसके बाद हम खाना खाएंगे नाश्ता। तो हम सबसे पहले मशीन में कपड़ा लगाएंगे क्योंकि बहुत कपड़ा। सारा काम हो चुका है और दाल चावल सब चीज बना उना के हम रेडी हो गए हैं अच्छे से। और दक्ष को भी तेल लगा दिए नहा के, वो सो गया। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट, और ये और भी रेडी हो जाएगी मार्केट। तो अभी हम ऐसे जाएंगे मार्केट और वहाँ से हम लेके आएंगे आम खरीद के लाएंगे और हम उसका अचार लगाएंगे। तो मेरा ब्लॉग पे आप बने रहिएगा, तो आपको आम का अचार भी दिखेगा कि किस तरह हम बनाते हैं, और आप लोग कैसे बनाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आम का मीठा अचार कैसे बनता है ये हमको पता नहीं है, तो हम YouTube में सर्च करके देखेंगे और बनाएंगे, क्योंकि वो मीठा वाला बहुत अच्छा लगता है ना। नहीं, अगर किन्हीं को पता है कि मीठा अचार कैसे बनता तो हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। हाँ। और तो उनका अगर कोई वीडियो भी होगा तो सजेस्ट कीजिएगा, हम उनका वीडियो भी जा करके देखेंगे देखेंगे। और अभी हम जाते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं कहाँ पे हम मार्केट जाएंगे और आम खरीदेंगे। तो मेरे ब्लॉग पे बने ले लिए हैं बाइक का चाबी, और
तो ये रहा मेरा बाइक, अभी चलते हैं मार्केट। फ्रेंड अभी पहुंच गए हम लोग मार्केट और देखते हैं किधर आम मिलता है। थोड़ा लगता है दूर जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, उधर ही मिलेगा। तो अभी पहुंच गए हैं, आप देखते हैं यहाँ पे आम तो मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ये रेट बता रहे हैं, तो देखते कहीं दूसरा जगह जाके। चलो आगे। थोड़ा सा मोल मुलाई हो रहा है। अब 100 रुपया पार कर दिया हमें, हम लगा दिए आपको 22 पड़ा, 3 रुपया कटाई है हम जो लगा दिया, 25 काट कर क्या बोले आपको ले। तो हम लोगों ने ये आम पसंद किया है, देखते हैं इसका अचार कैसे बनेगा। 10 किलो दे देना। आम लेने वाला 20 रुपया, आम लेने वाला 20 किलो दे दे। आम लेने वाला 20 रुपया, 20 रुपया, आम लेने वाला 20 रुपया। तो आम भी अच्छे अच्छे आम है, लेकिन थोड़ा सा इसको धोना पड़ेगा। तो इसे सबको काट लेते हैं क्योंकि घर में काटना इम्पॉसिबल नहीं है। खरीद रही है आम, लो। तो अभी आम का काफी सीजन चल रहा है और अभी हम लोगों ने अचार के लिए जो आम खरीदना था वो खरीद करके बाइक पर रख दिए हैं। और देखिए बहुत सारा अचार बनने वाला है इस बार। आप क्या खरीदने में लगी हो? थोड़ा धूप लग रहा है और इतना गर्मी लग रहा है और हम आम खरीद लिए हैं, थोड़ा बड़ा सब्जी भी मार्केट में खरीद लिए। अब हम जा रहे घर जल्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, तो चलते अभी घर हम लोग। तो फ्रेंड इसको अभी देखते हैं पानी में हम लोग दे देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए, इसका जितना भी गंदा सब निकल जाएगा फूल से। और पानी इसमें दे देते हैं थोड़ा सा, पानी अच्छे से दे देते हैं थोड़ा देर तक फूलने के लिए। इतना सारा आम का अचार लगाएंगे अच्छा ढेर मत हो जाएगा काम, इसको झाप के रखना पड़ेगा। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका दूसरा चैनल एक शॉर्ट वीडियो का खोलें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इसका छोटा छोटा वीडियो भी देख सकते हो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।